हेलो दोस्तों, जो मैंने मौलिक अधिकारों के टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने पहली वीडियो डाल चुका हूँ, दूसरी भी डाल चुका हूँ। इसमें पहली वीडियो में अपन ने पढ़ा था समता के अधिकार, दूसरी में पढ़ा था अपन ने स्वतंत्रता के अधिकार, जो तीसरा अपना इसेंशियल मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं और आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी अपन डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों का जो तीसरा टॉपिक था शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, देखिए इसमें क्या था अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार था दोस्तों। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से 23 और 24 में अपन को देखने को मिलता है, यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है ये अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। हम देखेंगे इसमें अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, अनुच्छेद 23 में, यानी कि अपन को इस हेडिंग से ही नजर आ रहा है कि शोषण, जरूर इसमें शोषण की बात कही गई होगी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद 23 में किस चीज के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, देखिए इसमें अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव व्यापार, क्या बात कही गई है, मानव व्यापार, बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, बाल श्रम, यानी कि इनके खिलाफ इसमें अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है कि मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम आदि को रोकने के लिए, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अनुच्छेद क्रमांक 23 में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें कहा गया है, उम्मीद करते हैं कि 23 अनुच्छेद 23 आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अनुच्छेद 24 की अगर बात करो तो इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने अथवा किसी होटल पे कोई भी काम ना दिया जाए, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी जगह पे काम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ये अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष के बालकों को बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक। ठीक है, ये थे अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम तो चौथा नंबर का जो, हेलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ये संविधान में हमारे अनुच्छेद 25 से 28 तक मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, 25 से 28 तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग अनुच्छेदों में कौन कौन सी बात कही गई है, अलग अलग अनुच्छेदों में कौन कौन सी बात कही गई है, यानी कि हमारे संविधान में वर्णन किया गया है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में विविधताओं में भी एकता है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। इस स्थिति में किसी भी देश में जहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हो वहां पर एक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे अनुच्छेद में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसकी हम बात इस वीडियो में करेंगे और इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर कौन सी बात करेंगे हम,
25 इसमें दोस्तों बात की गई है किसी धर्म का किसी भी धर्म का आचरण किसी भी धर्म का आचरण किसी भी धर्म का आचरण व उसका प्रचार करना उसका प्रचार प्रसार। दोस्तों इसमें अनुच्छेद 25 में यह बात कही गई है किसी किसी भी धर्म का आचरण और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार भारत के नागरिक कोई सभी जो भारत का नागरिक हो वो कर सकता है। अनुच्छेद 26 में यह बात कही गई है कि धार्मिक प्रबंधन की बात की गई है धार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया धार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया की बात की गई है क्या कहा गई है धार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया यानी कि यह सब जो ऑर्गेनाइज होगा उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा उसके प्रबंधन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों 27 में क्या कहा गया है देखेंगे अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की बात की गई है क्या कही गई है धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की यानी रुपए पैसों से संबंधित मामलों को अनुच्छेद 27 में रखा गया है। देखेंगे धार्मिक कार्यों को धार्मिक कार्यों को संपोषित करना ठीक है उसके बाद 28 में बात की गई है किसी भी धर्म के प्रति उपासना करना किसी भी धर्म के प्रति उसके सद्भाव को ध्यान में रखना ठीक है ना यानी कि धार्मिक शिक्षा उपासना आदि की स्वतंत्रता धार्मिक शिक्षा उपासना आदि की स्वतंत्रता। दोस्तों ये था अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित टॉपिक ठीक है ना अनुच्छेद 25 में किसी धर्म का आचरण और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया पर बल दिया गया है अनुच्छेद 27 पर धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की बात की गई है और 28 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म की उपासना किसी भी धर्म के अनुसार आप व्यवहार कर सकते हैं और उसमें आपकी उसको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद क्रमांक 28 में ठीक है।